IMD के मुताबिक 31 दिसंबर से लेकर 2 जनवरी तक उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तमिलनाडु और केरल में बारिश का अनुमान है, तो वहीं कई राज्यों में घने कोहरे का अलर्ट जारी किया है। देश भर में इस वक्त सर्दी का सितम जारी है। सुबह सुबह कोहरे के चलते लोगों की परेशानियां काफी ज्यादा बढ़ गई। मौसम विभाग के अनुसार अगले 2 दिनों में पंजाब और हरियाणा में कोल्ड डे की स्थिति पैदा हो सकती है। वहीं इसके अलावा हिमाचल प्रदेश में 30 और 31 दिसंबर को बर्फबारी की संभावना जताई गई। दिल्ली NCR में कोहरे के चलते लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। मौसम विभाग के मुताबिक आज यानी शनिवार 30 दिसंबर से राजधानी दिल्ली में ठंड बढ़ने जा रही है, जिसके साथ ही यहां कोल्ड वेव का अलर्ट जारी किया है। IMD ने दिल्ली NCR में 2 जनवरी तक घने कोहरे का अनुमान जताया है। वहीं ट्रेनें भी इस वजह से काफी ज्यादा लेट चल रही हैं। 2 घंटे से ऊपर लेट हो रही है ट्रेन। 2 घंटे से लेट। हाँ जी। कितने बजे की ट्रेन है आपकी? हमारा 5:40 का था। 5:40 का था, अब देख लो टाइम क्या हो गया, 7 बज गया लगभग। अच्छा, रीजन बताया जा रहा है कोहरे वोरे का, तो आप लोगों को मैसेज आया क्या पहले? कोई मैसेज नहीं आया पहले कि ट्रेन लेट है या नहीं। जब मैं घर से निकला था बिल्कुल राइट टाइम दिखा रहा था, ठीक है, और यहाँ आने के बाद कभी 5 मिनट कभी 10 मिनट करते करते अब 2 घंटा हो गया। अरे कैसा होता है, बंदे का प्लान सेट होता है पूरा कि चलो टाइम से निकल रहे हैं, उसके बाद ऐसा मिल जाए तो बहुत दुख होता है, बोर हो जाता है आदमी थोड़ा सा। अच्छा, यहाँ सुविधाएं वगैरह है, क्योंकि अगर वेटिंग करना है, वेट करना है ट्रेनों का, तो कुछ लग रहा है कि मतलब यहाँ पे जो जनरली स्टेशन पे होता है एक चेयर लगा सीमेंटो वाला जो होता है, बस वही है, कोई वैसा थोड़ी है कुछ। करीब 1.5 दर्जन से ज्यादा फ्लाइट्स को कैंसिल कर दिया गया। मौसम विभाग का कहना है कि शनिवार को उत्तर भारत में घना कोहरा छाने की संभावना है। वहीं हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख और उत्तराखंड में 30 दिसंबर तक घने कोहरे का अलर्ट है, तो उधर उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तमिलनाडु और केरल में कल से 2 जनवरी तक हल्की बारिश होने की उम्मीद। IMD के पूर्वानुमान के मुताबिक उत्तर प्रदेश समेत उत्तर पश्चिम भारत के राज्यों में 31 दिसंबर से बारिश का नया दौर जारी होगा, जिसके बाद और ज्यादा ठंड बढ़ जाएगी। बता दें कि दिल्ली में शुक्रवार को अधिकतम तापमान 19 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 10 डिग्री के करीब देखने को मिला। वहीं घने कोहरे का असर यातायात सेवाओं में भी दिखा। कोहरे के चलते दिल्ली में कई ट्रेनें रद्द कर दी गईं, तो वहीं फ्लाइट्स भी लेट चल रही थी।